जिनको नाक बहती है, बार बार छींकी आती है, थोड़े से मौसम चेंज होते ही जुकाम लग जाती है, या अपने को बुजुर्ग जो लोग थे उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी और सांस फूलता था, जैसे थोड़ी दूर चले पर सांस फूलने लग गया तो घबराहट होने लगी, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आजकल के की एलर्जी बहुत बढ़ गई, कोई भी महिला हो चाहे जेंट्स हो, महिला का ज्यादा या मन कटे ना कटे देखने मिला की भाई झाड़ू निकाल रही या कपड़ा झड़का रही है, कोई ना कोई मतलब नाक का थोड़ा सा भी हाथ टच हुई हो और छींक स्टार्ट हो जाए तो घुटनों का दर्द परमानेंटली कभी ठीक नहीं होता, लेकिन इस दवाई से उनको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, दर्द का एहसास नहीं होगा। ये सिर्फ 5 लोगों से ज्यादा रोजाना नहीं दे सकता, सिर्फ 5 लोगों की दवाई डेली बनती है, ये खास तौर से ध्यान रखें। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर था रहो, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ जयपुर। काफी लोगों के दिमाग में चल रहे होगा कि भाई झुंझुनू का अंदर की खबर दिखाया करें, आज जयपुर कहाँ पहुंचा। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2-2.5 महीना पहले मैं एक वीडियो है वो डाले हो और सब लोगों ने हाथ जोड़ की बहुत बहुत धन्यवाद है कि भी वीडियो ने इतना प्यार दियो और वो वीडियो केवल हो तुम्हारी जनता खातर हो। काफी सारा मैं वीडियो बनावा, अभी चुनावा का वीडियो है वो मैं काफी डाला है और साथ में ही समस्या का वीडियो बनावा हा, कोई अच्छो काम करा है भी को वीडियो बनावा हा। आज जो लोगा का है बीमारी ही देखो, एक बीमारी है की चीज बाबा कोई कभी हो सका है, वह आपने भी हो सका है, काफी लोग हमारा दर्शक ही वा कभी होगा। सबसे बीमारी ही एक तो घुटना का दर्द है, जो बड़ा बुजुर्ग ही बेचारा काम को नहीं कर पाए, बाकी बॉडी एकदम स्वस्थ है, बाको मन भी करा कि मैं भाज भाज की काम करा, मतलब तो बहुत ज्यादा इच्छा करा है हर चीज के लिए, पर बाको घुटना को दर्द है वो कठे ना कठे बाने काम पीछे खेच ले। एक अस्थमा और दमा की बीमारी इतनी हो रही है कि भी की लिमिट को नहीं। एक तो यहाँ है कि भाई परिवार में माता पिता का हुआ तो वह जेनेटिक एक प्रॉब्लम हो जाए, एक यहाँ है कि निमोनिया वगैरह है वो बिगड़ जाए तो वह प्रॉब्लम चल है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भाई आप दवाई ले, हाँ मैं कोई भी डॉक्टर ने गलत कौन ठहरा, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर आप कोई भी दवाई ले बिन सोच की समझ की परख की लेवा, क्योंकि अगर आपने जेब मुंह 100 रुपया 1000 रुपया भी जा रहे हैं तो वह अपनी मेहनत की कमाई हुआ है। तो अपने साथ में डॉक्टर जी है, सबसे पहले तो डॉक्टर जी आप रामा श्यामा कर ले, राम राम जी, स्वागत है। नमस्कार झुंझुनू वासियों, आज हमारे खुशबू जी आए आज हमारे पास में। हमारा जो प्रॉपर गांव है दूदू है, जयपुर से 70 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। आपको किसी को भी अगर आना हो, कभी भी कोई भी आ सकता है हमारे गांव, आइए डायरेक्टली। और एक छोटी मेरी ब्रांच जयपुर में भांगरोटा में है, जो एड्रेस की जो प्रॉब्लम आ रही थी जो इसमें इस वीडियो में आपको एड्रेस दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप जयपुर भी आ सकते हो और बाकी हमारे घर दूदू भी आ सकते हो, अगर कोई भी आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हो। सादिक खान है नाम मेरा, और सादिक खान जी इनको नाम है और अभी तो फिलहाल है जयपुर के अंदर ही। दूदू जयपुर 70 किलोमीटर का लगभग है और अभी ये बता रहे हैं कि भाई दूदू के अंदर ही अपनो जो सारो सेटअप है वो जचाऊंगा और बठे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि काफी लोग आया था ने पूछता होगा कि भाई मैं प्रॉपर आना चाहूँ। बिल्कुल, अगर जो भी आना चाहो तो मेरे गाँव मेरे घर ही आ सकते हो, कोई कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। आपको जयपुर भी नहीं आना चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर कोई दूर से भी आए तो मेरे रात भी रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी को कोई भी। जो हमने जो पहले वीडियो डाला था वो था दमा अस्थमा के लिए, उस दमा अस्थमा में क्या प्रॉब्लम थी, एक तो वो छोटे बच्चों में काम नहीं करती थी और दूसरा उसमें ये था कि उसमें लाल मिर्ची का प्रयोग बहुत सारा बनता, तो लाल मिर्ची उसमें गलती से भी बनती, तो उसमें गलती से महिलाएं खा जाती थी, इसलिए उसको तो हमने रोक के उसकी जगह एक दूसरा हमने पाक बनाया इसके लिए, जो सुबह शाम एक एक चम्मच ओनली सादे पानी से ही उसमें लेना है। एक तो आपके जो पुरानी कब्ज होगी उसको ठीक करेगा, और इम्पोर्टेंट काम है इसका, जिनको नाक बहती है, बार बार छींकी आती है, थोड़ी सी मौसम चेंज होते ही जुकाम लग जाती है, या अपने को बुजुर्ग जो लोग थे उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी और सांस फूलता था, जैसे थोड़ी दूर चले पर सांस फूलने लग गया तो घबराहट होने लगी, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है और अच्छे तरीके से वर्किंग करता है। ये मेडिसिन 5 दिन में ही वर्किंग करती है, जबकि ये पहले मैंने मेडिसिन उतारी थी ये करती है 15 से 25 दिन में सर। लेकिन अब क्या क्या एक्चुअली में मैडम क्या हुआ कि लोगों को फायदा भी जल्दी चाहिए पहली चीज, और लोग कम टाइम पे इलाज कराना चाहते हैं वो चीज, दूसरी चीज लोग परहेज तो करना ही नहीं चाहते। हकीकत बात तो यह है कि अभी तक का मेरे पास इतने लोगों ने कॉल किया, लोग परहेज करना ही नहीं चाहते, भूल से कोई ना कोई छाछ दही खा जाता है, भूल से ठंडी चीजें खा जाता है, अब इसमें लिमका थम्सअप छाछ दही केला संतरा अनार ये सारी चीजें बनती इसके अंदर, तो इस वजह से अब इसकी डिमांड में हमने फिर ये चीज उतारी है भाई, अगर इससे परहेज में लोगों को परहेज करने में दिक्कत हो रही है तो हमने बिना परहेज का ही प्रोडक्ट उतार दिया। तो आजकल के की एलर्जी बहुत बढ़ गई, कोई भी महिला हो चाहे जेंट्स हो, महिला का ज्यादा या मन कटे ना कटे देखने मिला की भाई झाड़ू निकाल रही या कपड़ा झड़का रही है, कोई ना कोई मतलब नाक का थोड़ा सा भी हाथ टच हुई हो और छींक स्टार्ट हो जाए तो कुछ के कारण बना है एलर्जी, अस्थमा ही तो बोलते हैं इसको, तो ये इसी के लिए बनाई गई है पर्सनल। सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को गलत कोई मत समझना, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम खाली पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप हमारी चीज को आजमाने के बाद में
आज आपके पहले जो खुशबू जी के माध्यम से जो वीडियो आया था, मेरे झुंझुनू के एरिया में माइग्रेन के 100 से ज्यादा पेशेंट तैयार हो चुके। अच्छा। बिल्कुल, जिनके जिन महिलाओं में सरदर्द की प्रॉब्लम होती थी, जो 10-10, 20-20 साल से गोलियां खाती थी, 3 ही दिन में उससे गोली खत्म हो गई। आप एक बात बताओ कि जहाँ चैलेंज दे रहे हो कि भाई 3 दिन में खत्म होगी, माने फीडबैक लेना हुआ तो? हाँ, फीडबैक ले सकते हो ना। अगर कोई किसी भी एरिया का झुंझुनू नीम का थाना और ये जो मेरे को गांव के सिक्कर वगैरह जो भी है, अगर मेरे से नंबर ले तो वहाँ के लोकल डॉक्टर किसी भी नंबर लेके बात कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सारे मरीज है माइग्रेन के, तो मतलब इतने मरीज है, आप अपने लोकल उनसे ही बात करके दवाई मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। एक प्रोडक्ट और उतारा मैंने, जो आज दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति के घुटनों का दर्द, जो मतलब इंपॉर्टेंट, ये घुटनों के दर्द के लिए, शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द हो वो फोन ना करे मेरे को कि साहब आप गलती से फिर फोन कर करके हमारे को डिस्टर्ब करते हो कि वो भी दर्द हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ ओनली घुटनों के दर्द के लिए, जो यहाँ घुटनों में प्रॉब्लम होती है उसी के लिए है ये। इसमें 4 चीज आपको खुद को मिलानी है, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इन सब की चारों की 50-50 ग्राम गिरी लेनी है, इस दवाई में मिलानी है और मिला के सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ खाना है। ये तो इस तरीके से वर्क करेगी। ये क्या काम करेगा, चिकनाई जो घिस जाती है ना घुटनों की, उसमें काम करेगा ये। अच्छा। और दर्द को अंदर से खींचेगा और जो भाव है बाहर, इसको 1 चम्मच निकालना है इस दवाई को, और जहां भी दर्द है आपके नीचे से उसको गर्म करना है, गर्म करके उसको मालिश कर देनी है चारों, जहां भी घुटने में दर्द हो। हाँ, लेप करना है। इसका लेप का बहुत बड़ा तरीका बता दूं, एक तो लेप में किसी तरह की हवा नहीं लगनी चाहिए। जहां इसको 10-5 मिनट अपने को मालिश कर दिया, मालिश करने के बाद सूती कपड़ा बांधना है अपने को, सूती कपड़ा बांध के सिर्फ अंदर रजाई में सोना ही है, ना कि अपने को बातें बातें करनी है, हवा नहीं लगनी चाहिए, तो ये बाहर से दर्द को खींच लेगा। ये 5 दिन चलेगा, लेकिन 5 दिन में ही आपके मेरे झुंझुनू में 10 से ज्यादा पेशेंट है, आप उनका फीडबैक ले सकते हो मेरे से। आपको मैं नंबर दे दूंगा, अगर कोई झुंझुनू का रहने वाला हो तो झुंझुनू मेरे 5 पेशेंट है जो घुटनों के दर्द से बिल्कुल तैयार हो गए, आप उनसे बात करके दवाई मंगा सकते हो मेरे से। जो खटाई नहीं खावे, जो परहेज करे, मैं लोग ही मारा हूँ, कॉन्टेक्ट करियो, अदर कॉन्टेक्ट मत करियो, क्योंकि आपका सामने वह चीज आई ही कि आपा के करा कि अपना 1 मिनट में इलाज चाहिए। जुखाम लागी तो आपा 3-4 दिन ही वेट कौन करांगा कि भाई 3-4 दिन तो ठीक होने में लागेगा ही लागेगा। आपा के करांगा कि फटाफट ठीक हुआ तो भाई बात है कि आपा जल्दी खाता ही करांगा तो वो काम ठीक होने वो बिगड़ेगा। तो कभी भी इंसान ने अपना काम बिगाड़ना को नहीं। अब देखो डॉक्टर जी से परहेज की बात करी, हमारा बहुत अच्छा दर्शक ही मन लागे है, मैं विश्वास है कि परहेज भी कर लेगा 3-4 महीना कब तक ठीक हो सकती है घुटना का दर्द भी और अस्थमा का? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा है, घुटनों का दर्द कभी परमानेंटली ठीक नहीं होता है, ये ध्यान दे लेना आप भी जो सुन रहे हो सभी भाई लोगों को, कि घुटनों का दर्द परमानेंटली कभी ठीक नहीं होता, लेकिन इस दवाई से उनको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, दर्द का एहसास नहीं होगा। देखो 70 साल की 50 साल की 60 साल की उम्र है तो ये तो होगा ही नहीं कि आपके घुटने नहीं हो गए, ये सब बेखाने की बातें हैं, इसके चक्कर में कभी मत आना। हाँ, इसको लगाने और खाने के बाद में आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, आप अगर चल फिर नहीं सकते थे तो आराम से अपना छोटा मोटा काम कर सकते हो, जकड़न और राहत मिल जाएगी, इतना आपको फायदा मिलेगा इससे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये, आप ये सोच लो कि मेरे तो घुटने ठीक हो जाएंगे 3 महीने में, ऐसा कभी नहीं होता है। घुटने तो हम क्या ठीक करेंगे, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपका दर्द चला जाएगा, जो जिस दर्द से आप परेशान रहते हो वो दर्द चला जाएगा, तो आपको इतना फायदा मिल जाएगा कि आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी इस घुटनों के दर्द से, तो ये निजात मिलेगी आपको। दूसरा, ये जो है इसमें तो ये तो बीमारी परमानेंटली चली जाएगी, क्योंकि ये तो फेफड़े को ताकत देने वाली चीज है, ये तो जिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आप खिलाओगे इसको, तो ये तो एक साधारण आदमी भी खा सकता है, तो बीमार व्यक्ति भी खा सकता है, तो बीमार ये कोई जो एलर्जी अस्थमा, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी जब ठीक नहीं होती तब बड़ी बन जाती है, तो इसकी वजह से ये जो निकाला है तो ये फेफड़ों को ताकत देगा, जिससे फेफड़ों को ताकत मिलेगी, बच्चा, बुजुर्ग, जवान सब तैयार हो जाएंगे, तो इसको बार बार लेने की दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप 1 महीने में भी ठीक हो जाओ, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए, हो सकता है 3 महीने भी लग जाए। हाँ, अस्थमा वाले को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, जिसकी पर्टिकुलर सांस की प्रॉब्लम, उसको 6 महीने चलेगी। नंबर ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर चेक करो और भी के बाद में कॉन्टेक्ट करो, जो भी थारा दिक्कत है बस सही तरीका बताओ, इतनी साल सु है या दिक्कत है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर ने सही तरीका नहीं बताऊंगा, डॉक्टर आपको इलाज करने में कठे ना कठे गतल मतल हुआ, तो थे भी थारा रुपया ही बिल्कुल खराब मत करो, डॉक्टर को भी टाइम खराब मत करो, जो भी दिक्कत है डायरेक्टली बताओ और अपनी जो भी समस्या है भी राहत पाओ। एक चीज और कहना चाहूंगा आप सबको, ये सिर्फ 5 लोगों से ज्यादा रोजाना नहीं दे सकता, सिर्फ 5 लोगों की दवाई डेली बनती है, ये खास तौर से ध्यान रखें, और ये भी 5 से 7 लोगों की दवाई डेली बनती है, इससे ज्यादा कि उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरा, कॉल करें तो आप सुबह 10 बजे बाद ही करें, लोग रात को 2-2 बजे कॉल कर देते हैं, ये थोड़ा सा कष्ट करें। 2-2 बजे कॉल कर देते हैं, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे, अब देखो
मेरे पास में जब आपका वीडियो लॉन्च हुआ था तो अब सुबह 5 बजे से लोग कॉल चालू करेंगे तो हम तो चाय भी नहीं पी सकते। हकीकत की बात यह है कि चाय तो पीने दिया करो, हमारा भी कुछ काम है वो भी करने दिया करो। आप 10 बजे बाद कॉल करो, अगर आपके किसी कारण से मेरी बात नहीं होती है तो ये समझो कि मैंने फोन नहीं उठाया। अब देखो आपको पता है लोग बार बार कॉल करेंगे तो किसी किसी का रह जाता है, तो व्हाट्सएप चेक करो। हाँ, आप व्हाट्सएप से बात करो ना मेरे से, जरूरी हो तो कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूरी, मैंने पहले वीडियो में सभी लोगों से बात करी है, सभी लोगों का कोरियर टाइम से भेजा है। एक भी आदमी कमेंट नहीं कर सकता मेरे बारे में कि मैंने कोरियर नहीं भेजा, टाइम से मैंने जो टाइम बताया उससे पहले डिलीवरी दी है। और यही मेरी एक ईमानदारी है कि मैं टाइम से पहले डिलीवरी देता हूँ। और आप, मेरा एक ही मोबाइल नंबर है 94620-20212, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों है। इसके अलावा मेरे अलावा कोई भी अगर आपको फोन करता है तो वो फ्रॉड होगा। मैं कभी किसी को फोन नहीं करता हूँ, आपको ही फोन करना पड़ेगा मेरे पास में। हमारे पास तो टाइम नहीं मिलता, हम कॉल कहाँ से करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि मेरे अलावा अगर आपको दूसरे नंबर से कॉलिंग आती है तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा नाम सादिक खान है, मेरे नाम से ही पेमेंट डालना है आपको। अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आके ले जा सकता है, और मंगाना चाहे तो बिल्कुल मंगा सकता है। और इतने लोगों को तो मैंने भेजा ही है, कम से कम जो आपके शेखावाटी इलाकों के अंदर कम से कम 500 से ज्यादा लोगों को मैंने दवाई भेजी है और करीब करीब सभी के फायदा हुआ है। जो मेरा बड़ा बुजुर्ग जितना भी लोग देख रहे हैं, घुटना की दिक्कत है तो थारे कोई कनु भी फोन करवा की, और अगर कठिन खड़े था नहीं लगा कि भाई नहीं मैं चीज पर विश्वास कौन कर रहा है, तो आपका नंबर ही फोन करो और मिलो, बातचीत करो, भी बाद में दवाई है बा थेलो। साथ में ही जो अस्थमा की ये बताई है, अस्थमा की भी भाई सेम प्रोसीजर है। अगर थे बड़े कोरियर करवानो चाहो, कोई भी राजस्थान में नहीं, पूरा इंडिया में कठे भी कोरियर करो, वर्ल्ड में, इंडिया के बारे में। हाँ बिल्कुल जाती है बिल्कुल। आपके शेखावाटी के काफी लोग बाहर रहते हैं, सऊदी अरब रहते हैं, दुबई रहते हैं, अमेरिका, यूएसए में रहते हैं, तो वो तो जाते हैं ना, काफी भेजी है मैंने, और सभी लोग तैयार हो रहे हैं इससे आराम से। इसमें ना कोई परहेज है ना कोई टेंशन है, आराम से सुबह शाम खाओ और जिंदगी अच्छी निकालो। तो वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट में जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।